हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है तो हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको सेटिंग्स पर जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है तो हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, तो इसमें से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है हॉटस्पॉट सेटिंग, या तो फिर आपको यहाँ पर सर्च करना चाहिए रीसेट सेटिंग। रीसेट सर्च करती जो हमारी यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगी जहाँ से आप हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस पर जाएंगे और जो भी हॉटस्पॉट नेटवर्क सेटिंग होगी उसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे हॉटस्पॉट में। तो इस तरीके से आप हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। साथ में जैसे अगर आपको सर्चिंग सेटिंग में नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की रीसेट सेटिंग्स पे जाकर भी हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइकन है हमारे शो हो रहे हैं तो इसमें से सेटिंग्स पे जाएंगे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं आइकन हमारे शो हो रहे हैं तो इसमें सीधे सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। सिस्टम सेटिंग्स पे जाते ही आपको रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते रीसेट सेटिंग आ जाएगी हमारी इस तरीके से। फिर आप इस पे जाते हैं, इस पे जाते ही जो भी हमारी हॉटस्पॉट का डाटा होता है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करते ही जो भी हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरीके से आप वाईफाई या मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ सेटिंग्स को भी यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और इनकी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन की सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।